जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट दी जाए आप तक तुरंत पहुँचें। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने दिया था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी का अंग्रेजी अनुवाद किसने दिया था? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन दिया गया है महादेव देसाई, दूसरा है रस्किन बॉन्ड और तीसरा है विवेक बिंद्रा और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसने जो है अनुवाद दिया था? तो ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, महादेव देसाई ने दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो ऑप्शन पहला 15 वर्षों के लिए, दूसरा हो जाएगा 21 वर्ष तक और तीसरा हो जाएगा 30 वर्ष तक और चौथा हो जाएगा 35 वर्ष तक। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक थे? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो किसने अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन पहला है ब्रिटिश सरकार ने दी थी, दूसरा फ्रांसीसी सरकार, तीसरा पुर्तगाली सरकार और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी को दी गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा अब्राहम लिंकन, दूसरा मार्टिन लूथर किंग, तीसरा हो जाएगा नेल्सन मंडेला और चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो किसे जो है माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, मार्टिन लूथर को किंग को जो है माना जाता है अमेरिकन गांधी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ऑप्शन पे आते हैं। इसे ऑप्शन नंबर दिया गया है, मोतीलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस कौन समर्थन किया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इसका प्रबल समर्थन किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो किस घटना में बताई है? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा चोरी चौरा, दूसरा हो जाएगा दंडी यात्रा, तीसरा हो जाएगा उपरोक्त दोनों और चौथा हो जाएगा में से कोई नहीं। तो किस में कही है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चोरी चौरा में इसको जो है अपनी भूल बताई है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पहला कलकत्ता अधिवेशन 1901, कलकत्ता अधिवेशन 1890 और बम्बई अधिवेशन 1889 और इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। तो किसमें जो है भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो है भाग लिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो ऑप्शन पे आते हैं, गांधीनगर में, दूसरा है पटेल नगर, तीसरा हो जाएगा अहमदाबाद, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो है कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अहमदाबाद में दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है दो फेफड़ों के रूप में? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पहला सत्य और अहिंसा, दूसरा सत्य और अशांति, तीसरा शांति और सत्य और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा का वर्णन किया है।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट किसने कहा है? तो किसने क्या कहा है, फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट? तो वैलेंटाइन चिरोल, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा हो जाएगा मिंटो द्वितीय, और चौथा हो जाएगा डिजराइली। तो किसने कहा, तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने किया था? तो आमंत्रण चाय पार्टी का आमंत्रण किसने किया था? तो ऑप्शन पहला है सर विलियम वेडरबन, दूसरा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, चौथा तीसरा हो जाएगा लॉर्ड रिपन, और चौथा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ऑप्शन पहला क्रांतिकारियों के, दूसरा उदारवादियों के, तीसरा उग्रवादियों के, और चौथा हो जाएगा आतंकवादियों के। तो किसके हाथ में था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उदारवादियों के हाथ में था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 15 मार्च 1931 को, दूसरा हो जाएगा 5 मार्च, पहला हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, दूसरा 5 मार्च 1932 को, तीसरा हो जाएगा 5 अप्रैल 1931 को, और चौथा हो जाएगा 5 अप्रैल 1932 को। तो कब समझौता किया गया था, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, 5 अप्रैल 1931 को किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा हो जाएगा महात्मा गांधी, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने जो है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैकडोनल्ड अवार्ड किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो ऑप्शन पहला चाय और बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, दूसरा हो जाएगा स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, तीसरा हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, और चौथा हो जाएगा अंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्रों की व्यवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर तीसरा सही, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के लिए बहुत आघात हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? ऑप्शन पहला महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा बंकिम चंद्र ने, और चौथा हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। तो किसने वापस किया था, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर का किताब जो है वापस कर दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन पहला राजा मोहन राय, दूसरा हो जाएगा लाला लाजपत राय, तीसरा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और चौथा हो जाएगा महात्मा गांधी कमीशन। तो कौन है, तो तीसरा से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? तो ऑप्शन पहला है राजपाल राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और चौथा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने केसरी और मराठा संपदों के पात्रों के संपादक हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन पहला हो जाएगा अहमदाबाद से, दूसरा बारडोली से, तीसरा हो जाएगा चंपारण से, और चौथा रायडा से। तो कहाँ से शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, चंपारण से सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ऑप्शन पहला पश्चिमी यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा हो जाएगा पूर्वी यूरोप, और चौथा हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका जो है क्रांतिकारियों का आधार स्थल है। अगला क्वेश्चन आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इन द इंडिया स्टेट्स किसने लिखा था? तो ऑप्शन पहला बी एन राव, दूसरा है सी राज गोपालाचारी, तीसरा कृष्ण मेनन, और चौथा हो जाएगा बीपी मेनन। किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, कृष्ण मेनन ने द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स जो है लिखा था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन पहला 1850, दूसरा 1851, तीसरा 1853, 1855। किसमें की थी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा से 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल में क्रांतिकारियों ने नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन पहला अनुशीलन समिति, दूसरा है अभिनव भारत, तीसरा हो जाएगा भारत माता सोसाइटी, और तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, अनुशीलन समिति जो है की स्थापना की गई थी। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।